हे वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। आज फिर आपके लिए एक वीडियो नॉलेज से भरा हुआ भंडार आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम 401 वर्ड एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ना इसका कोई पार्ट होगा, कुछ नहीं, एक ही वीडियो में 401 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये सारे के सारे आपके SSC एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। तो 400 बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। यदि आपका कोई भी एग्जाम आने वाला है तो ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा, आप रिविजन करके जाइएगा, तो आपको देखिएगा, आप पाइएगा कि आपको 2 से 3 तो आपके मिल ही जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस वीडियो में जो आपके वन वर्ड हैं उसका हिंदी भी मीनिंग मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 400 से ज्यादा डिस्कस करेंगे। एक तो 400 यानी कि वन वर्ड क्या होते हैं, वो क्या भी होती है, 400 वर्ड भी आपके तैयार हो जाएंगे और विद हिंदी मीनिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जहां पर जानवरों को मारा जाता है खाना खाने के लिए, मींस उनकी कटाई की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कसाई खाने ही बोलते हैं यार। इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एबेटॉयर। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस वर्ड की मैं आपको बताऊं कि इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मिसस्पेल्ड वर्ड भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अ मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबे, जो मठ का मठाधीश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एबॉट। तो यहाँ पे आप एबेटॉयर की स्पेलिंग कर लीजिए, ये SSC में मिसस्पेल्ड में पूछी जा चुकी है। अ शॉर्टेन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज, शॉर्ट करके हम वर्ड उसको, वर्ड को शॉर्ट करके एक फ्रेज लिख देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। अरे भाई, नेक्स्ट है आपका एब्डिकेशन। एब्डिकेशन क्या होता है, वॉलंटरली रिनाउंसमेंट द थ्रोन बाय अ किंग ऑर टू फॉर्मली गिव अप, मींस जो है राज्य को त्याग देना, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्डिकेशन। नेक्स्ट इज रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, भाई कुंभ में आप स्नान करने जाते हो, उसे आप क्या बोलते हैं, एब्लिवेशन, यानी कि धार्मिक स्नान। अ वोवल चेंज दैट अकंपनीज अ चेंज इन ग्रामेटिकल फंक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्लॉट। ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, भाई मूल निवासी जो होते हैं किसी भी देश के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एबोरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे हार्ड समझा जाना मुश्किल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एबस्ट्रस, यानी कि अव्यक्त। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन enough, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रचुर मात्रा में कोई चीज होती है तो उसे हम बोलते हैं अबंडेंस। गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, किसी को ज्यादा, किस चीज पर ज्यादा जोर देना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंचुएट। एसेंचुएट की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, SSC में काफी बार पूछी जा चुकी है। टू हैबिटुएट वनसेल्फ इन न्यू कल्चर, मीन्स खुद को नए कल्चर में ढाल लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइज, क्लियर। नेक्स्ट है आपका Which can be approached, जिसे approach किया जाए, जिसे पहुंचा जाए, जहां तक पहुंचा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, accessible, उपलब्ध। Pretend refusal of something desire, भाई लोमड़ी के अंगूर खाने की इच्छा थी बट पहुंच नहीं सकी, तो इसलिए उसने को क्या कर दिया, इनकार। बट उसकी जो अंगूर खाने की इच्छा थी, मीन्स जब आप किसी चीज की keen इंटरेस्ट होते हैं बट उसको इनकार करने का दिखावा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिस्मस, इनकार करना। हेल्पर इन अ रॉन्ग डूइंग डीड और अ क्राइम, उसे हम क्या बोलते हैं, accomplice, जो आपका गुनाह में साथी होते हैं, उसे हम बोलते हैं accomplice। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू आवर स्टैंडर्ड मेन लैंग्वेज, उसे हम क्या बोलते हैं, acrolect। वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, उसे हम क्या बोलते हैं, acronym। थिंग्स टू बी एडिड एट द एंड ऑफ बुक, एंड में, बुक के एंड में इंफॉर्मेशन दी जाती है एडेंडम के जरिए। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्री, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना, उसे हम क्या बोलते हैं, अफोरेस्ट्रेशन, वन और ओपन। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, उस स्टोरी को क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं एलेगरी। नेक्स्ट इज वन हु लिव्स इन अ कंट्री विदाउट सिटीजनशिप, जो बिना सिटीजनशिप के रह रहे हैं, यानी कि वो क्या है, वहां का नागरिक, गैर नागरिक है, उसे हम बोलते हैं एलियन। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, भाई ये डेफिनेशन अनुप्रास अलंकार की है यार, अनुप्रास अलंकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिटरेशन। One who does a thing for pleasure but not for a profession, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो मजे के लिए कोई कार्य करता है, profession के लिए नहीं, उसे बोलते हैं amateur। One who can use either hand with ease in working or writing, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लेता है आसानी से, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ambidextrous। Partial or total loss of memory, memory चली जाती है पूरी तरह से, उसे हम क्या बोलते हैं, amnesia। General pardon of political offenders, उसे हम क्या बोलते हैं, amnesty। One who wishes to destroy all established government laws and order, उसे हम क्या बोलते हैं, anarchist। Short amusing story about some real person or event, यानी कि कोई एक किस्सा की यहां पर बात हो रही है, किस्से को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, anecdote। Loss of ability to understand speech, speech समझ में नहीं आती, उसे हम क्या बोलते हैं, aphasia।
वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, अपने रिलीजियस फेथ जो त्याग देता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपोस्टेट, धर्म त्यागी। गवर्नमेंट बाय नोबल्स, नोबल्स के द्वारा चलाए जाने वाली गवर्नमेंट क्या होती है, एरिस्टोक्रेसी। पर्सन हु वर्ल्ड एंड डिवोट हिमसेल्फ टू अ स्ट्रिक्टली डिवोट लाइफ टॉर्चरिंग द बॉडी फॉर द गुड्स ऑफ सोल, भाई जो दुनिया को त्याग देता है बिल्कुल अकेला जो रहता है उसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एसेटिक, सन्यासी। नेक्स्ट इज टू बियर अ हैंड का मतलब क्या होता है, किसी की मदद करना, मींस असिस्ट करना किसी को। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान की एग्जिस्टेंस में ही विश्वास नहीं रखता उस व्यक्ति को हम बोलते हैं अथीस्ट। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, डेड बॉडी के एग्जामिनेशन को बोलते हैं ऑटोस्पाई। वन हु इज ग्रीडी, जो बहुत लालची होता है उसे बोलते हैं एवरिशियस। पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, लड़ने को हमेशा तैयार रहता है उसे हम बोलते हैं बेलिकोज। नेशन एंगेज्ड इन वॉर, राष्ट्रों के बीच में जो युद्ध होता है वो तो उसे हम बोलते हैं बेलिग्रेंट, युद्धरत। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प जो स्कूल को देता है उसे हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। वन हु लव्स टू कलेक्ट बुक्स, बुक्स इकट्ठा करने का जो शौकीन होता है उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफिले। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, हर दो साल में एक बार होता है उसे हम बोलते हैं बायनियल। बायनियल की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, काफी बार पूछी जा चुकी है। हैव 2 husbands or 2 wives एट द सेम टाइम उसे हम क्या बोलते हैं बायगैमी, यानी कि दो विवाह प्रथा। वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रीजुडाइज्ड ओपिनियन उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं बायगॉट। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, जो दो भाषाएं बोल सकता है उसे हम क्या बोलते हैं बाइलिंगुअल। वन हु डज नॉट फॉलोज द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल थिंग्स ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है बोहेमिया। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, ग्वार टाइप के जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं बुरिश। सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, कोई भी प्रोग्रेस में कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रतिरोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं बॉटलनेक, रहा करोड़ा जिसे हम बोल देते हैं। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाने वाली जो गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट्स एट अ नाइट क्लब उसे हम क्या बोलते हैं कैबरे। पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जिसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा खराब होती है उसे हम क्या बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट, ठीक है। हार्श साउंड उसे हम क्या बोलते हैं कैकोफोनी। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफी। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को मार देना उसे हम बोलते हैं कार्नेज। सडन एंड वियोलेंट चेंज उसे हम क्या बोलते हैं कैटाक्लिज्म। प्लेस फॉर कॉर्प्स टू बी बरीड उसे क्या बोला जाता है, जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है कब्रिस्तान, यानी कि सेमेट्री। एन इंसेक्ट्स विद मैनी लेग्स, बहुत सारी टांगे होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं सेंटीपेड, कान खजूरा जैसे होता है। अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंस ऑफ टाइम, कोई भी एक इवेंट होता है टाइम के अकॉर्डिंग सिक्वेंस में होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्लूज अवेलेबल एट सीन उसे हम बोलते हैं सर्कमस्टांशियल। राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना उसे हम बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन उसे हम क्या बोलते हैं कोयर्स, किसी को मजबूर कर देना। पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट को क्या होते हैं आपके कलीग होते हैं, सहकर्मी होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी दिखाना यानी कि कॉन्डोलेंस में बोल सकता हूं। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर को आप क्या बोलोगे, बोलते हैं उसे कॉन्फ्लेग्रेशन। बिलोंग्स टू अ पर्सन बाय बर्थ, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है कॉन्जेनिटल। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर, बहुत सारे पुजारियों का इकट्ठा होना, वर्शिपर्स का इकट्ठा होना उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, क्रिटिकल जज ऑफ एनी पार्ट पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है कॉनाइश्योर। कॉनाइश्योर की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट इज टू कंट्रीज और स्टेट्स हुज फ्रंटियर टच, जिनकी सीमाएं आपस में टच करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्टिग्यूस। Showing deep sorrow for wrong doing, गलत काम करने के बाद पछतावा तो होता है उसे हम क्या बोलते हैं contrite। Number of stars grouped together, तारों के समूह को क्या बोलते हैं constellation। Ceremony of crowning a king, जहां पे king ceremony होती है जब राजा जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं coronation, राज्याभिषेक।
अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, भाई जो अपने आप को पूरे देश का पूरी दुनिया का वासी मानता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। वन हु इज सिंपल एंड इजिली बिलीव वट एवर इज टोल्ड, जिसे जो भी कहा जाए उस पर इजिली विश्वास कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्रेजुलस। समवन हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी टू द लेग्स और बैक, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अपंग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिपल। अ वार ऑफ रिलीजन, धर्मों का युद्ध, पढ़ा होगा आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रूसेड। अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसे क्या बोला जाता है, साइनोश्योर। पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीचीज, ऐसे को क्या बोला जाता है, डेमेगॉग। मॉरली बैड और इविल, जो नैतिक रूप से बुरा है और इविल है उसे बोलते हैं डिप्रेव्ड। लॉस ऑफ कंप्लीट होप, भाई होप ही बिल्कुल खत्म हो जाना उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पोडेंसी, यानी कि निराशा। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, भाई अपनी ड्यूटी को करने में जो समर्थ हो जाता है, फेल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डेरेलिक्शन। लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, आम जरूरतें ही नहीं पूरा होती जिंदगी की, उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूशंस। कॉजिंग हार्म और डैमेज, जो नुकसान पहुंचाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेट्रीमेंटल, नुकसान पहुंचाने वाला। बिटर एंड वायलेंट अटैक्स इन वर्ड्स और राइटिंग, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं हम वर्ड्स के जरिए, अपनी राइटिंग के जरिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डायट्राइब, किसी की कटु निंदा करना। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक लिक्वर, दारू पीने की जो इच्छा होती है, बहुत ललक होती है, उसे हम बोलते हैं डिस्पोमेनिया। ऑफ द डे टाइम, जो दिन का दैनिक होता है उसे हम बोलते हैं डायर्नल, यानी कि दैनिक। अ थिंग फिट टू ईट, जो खाने हो गया योग्य होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडिबल। अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, औरताना गुण वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम बोलते हैं इफेमिनेट। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, उसको क्या बोला जाता है, एफर्वेस। एफर्वेस की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, काफी बार जो है पूछी जा चुकी है। अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में जाता है उसे हम बोलते हैं इमिग्रांट विद ई। अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, जिसे किसी मिशन पर भेजा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एमिसरी। नेक्स्ट इज बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, उसे हम क्या बोलते हैं, इनसाइक्लोपीडिया। डिसीज प्रिवेलिंग इन लोकेलिटी, भाई जो बहुत ज्यादा फैल जाती है बीमारी, ठीक है, आसपास के इलाके में, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। और एपिक्योर, एपिक्योर आप देख रहे, आप सोच रहे होंगे कि जो अच्छा खाने वाले का शौकीन, अच्छा खाने का जो शौकीन होता है, अच्छा खाने पीने का जो शौकीन होता है, उसे एपिक्योर बोलते हैं, ये तो ठीक है, बट एपिक्योर का एक मतलब और होता है, आप सर्च कीजिएगा। पर्सन इज फॉन्ड ऑफ सेंशुअस एंजॉयमेंट, उसे भी एपिक्योर ही बोला जाता है, मीन्स इसका एक सिनोनिम आपको बता दें, लस्टफुल। नेक्स्ट इज स्पीच गिवन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, के बाद जो स्पीच दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, एपिलॉग। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ डेड, कब्र पे जो वर्ड लिखे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एपिटेप। अ लेटर, लेटर को क्या बोलते हैं, अपिस्टल। अ परफेक्ट एग्जांपल, एक सटीक उदाहरण को हम क्या बोलते हैं, एपिटोम। कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, भाई जब कामनेस ऑफ माइंड टेम्पर इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्वेनिमिटी, जब हम धैर्य रखते हैं। इक्वेनिमिटी की स्पेलिंग नोट कर लीजिए। पर्टेनिंग टू हॉर्स, हॉर्स से रिलेटेड को क्या बोलते हैं, इक्वाइन। लर्न और स्कॉलरली पर्सन, एक विद्वान व्यक्ति जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इरुडाइट। अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राइज टू एस्केप, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, एस्केपिस्ट। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज इन वॉर, उसे क्या बोला जाता है, एस्पियोनेज। एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, भाई जो सदा तक रहता है, एटर्नल, अनंत है जो। साइंस डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, इसे क्या बोला जाता है, एटिमोलॉजी, ठीक है, शब्द निर्माण विज्ञान। बोमेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, मीन्स जो लिखने की आडंबर शैली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म। साउंडिंग प्लीजेंट, साउंडिंग प्लीजेंट का मतलब सुरीली आवाज, उसे हम क्या बोलते हैं, यूफोनिस। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, उसे हम क्या बोलते हैं, यूफोरिया, अत्यंत खुशी। ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड, जो थोड़े समय के लिए रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, इवेनिस्केंट, की स्पेलिंग भी नोट कर लीजिए, पूछे जा चुके हैं एसएससी में। दैट विच कैन बी एक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लीकेबल। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रेपरेशन, जो बिना तैयारी के स्पीच दी जाती है उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, जो आपको भ्रम हो जाता है किसी भी चीज का, उसे हम क्या बोलते हैं, फैलेसी।
अनरीजनेबली एंथुसियास्टिक अबाउट रिलीजन, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम बायगॉट। वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वन्स टेस्ट एंड चॉइस, भाई बहुत ज्यादा ही नखरे करता है किसी चीज में, उसे हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। वन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्य में विश्वास रखने वाला, फेटलिस्ट। एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, उसे बोलते हैं फौना। वन डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करता है उसे हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से असफल, कोई भी इवेंट हो जाता है उसे हम बोलते हैं फियास्को। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। स्ट्रोक ऑफ अ गुड लक, आकस्मिक सफलता जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूक। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, फ्रेंजी। साइंस एंड आर्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड, इसे क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोनॉमी, उत्तम आहार विज्ञान। द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, भी पूरे के पूरे समूह को ही मार डालना, प्रजाति को ही मार डालना, उसे हम क्या बोलते हैं, जिनोसाइड, जनसंहार। मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेस्चर। फॉन्ड ऑफ ईटिंग टू मच, भाई बहुत ज्यादा खाने का शौकीन, ग्लूटन। ईट फास्ट नॉइसली एंड ग्रीडली, भाई बिल्कुल ही हड़बड़ाहट में खाना, बिल्कुल जल्दी जल्दी खाना, उसे हम क्या बोलते हैं, गोबल। विदाउट एनी पेमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिस, जो चीज निःशुल्क होती है। बिलीव दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हेडोनिज्म, और ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, हेडोनिस्ट। अ व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज, जो डेड बॉडीज ले जाता है व्हीकल, उसे हम क्या बोलते हैं, हियर से। एनिमल्स लिव्स ऑन हर्ब्स, ठीक है, जो घास फूस पर जिंदा रहते हैं जानवर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। वेरी ड्रामेटिक, उसे क्या बोला जाता है, हिस्ट्रायनिक। टू स्टोर एंड स्टॉक, इकट्ठा करके रखना, उसे हम बोलते हैं होर्ड। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, भाई फायर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, उस फायर को क्या बोलते हैं, होलोकॉस्ट। अ पोस्ट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, जहां पे आपको तनख्वाह वेतन नहीं मिलता, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनररी। नेक्स्ट इज फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, मेहमान नवाजी जो बड़े अच्छे तरीके से करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबल। वन हु प्रिटेंड्स टू बी बट ही इज नॉट, जो है और उसके होने का दिखावा करता है बट एक्चुअली में वो नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, हिपोक्राइट, पखंडी। वन हु इज अ ब्रेकर ऑफ थिंग्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर और हु अपोज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, इग्नोक्लास्ट। The worship of idols or image, मूर्ति पूजन को क्या बोलते हैं, idolatry, which cannot be read, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम बोलते हैं illegible. A trade or act prohibited by law, उसे हम क्या बोलते हैं, illicit, जो होता है अवैध। A person from another country comes to our country to settle, उसे हम क्या बोलते हैं, immigrant विदाई, ठीक है। Next is That which cannot be penetrated, जिसे penetrated, भेदा नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, impenetrable। That which cannot be perceived by senses, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते senses से, उसे हम क्या बोलते हैं, imperceptible। Not showing proper respect, जो गुस्ताख व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं, impertinent। Not showing proper respect, उसे हम impity भी बोलते हैं। One who assumes a character or a title not his own to deceive other, इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, जो बहरूपिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, imposter। Free from infection, उसे क्या बोलते हैं, immune। Freedom from punishment, भाई दंड से मुक्ति जिसको दे दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, impunity। Something that cannot be taken away, उसे क्या बोला जाता है, जिसे inalienable, ठीक है। नेक्स्ट इज जिसे अलग नहीं किया जा सकता उसे बोला जाता है इनअलाइनेबल। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल। दैट विच कैन नॉट बी बर्न, जिसे जलाया नहीं जा सकता, इनकम्बस्टिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो थकता नहीं व्यक्ति उसे हम क्या बोलते हैं, इनडेफिटिगेबल। विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, जिसे मिटाया और भूला नहीं जा सकता, इनडेलिबल। कंपनसेशन फॉर लॉस, कोई भी नुकसान हो गया उसकी भरपाई आपको मिल रही है उसे हम बोलते हैं इंडेमनिटी, यानी कि मुआवजा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनेविटेबल। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, किसी इन्फेंट का मर्डर करना, उसे भ्रूण हत्या करना, उसे हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। लॉस ऑफ स्लीप,
नींद ही नहीं आती, लॉस ऑफ स्लीप, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसोमेनिया। वन हु ट्रेवल्स प्लेस टू प्लेस पर्टिकुलरली अ प्रीचर, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इटिनरेंट। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल, अजय। कैन नॉट बी वाउंडेड, जिसे घायल नहीं किया जा सकता, इनवल्नरेबल। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अदर, साथ साथ कोई चीज रखना, उसे हम बोलते हैं जक्स्टापोज। अ स्कूल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, उसे हम क्या बोलते हैं, किंडरगार्टन। एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की ललक जो होती है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी जो भाषाएं जानता है, उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्ट। अंडरस्टेटमेंट बाय निगेटिंग द अपोजिट, उसे हम क्या बोलते हैं, लिटोटस। राइटिंग कंपोज ऑफ वर्ड्स लैकिंग अ सर्टेन स्पेसिफिक लेटर ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, उसे हम क्या बोलते हैं, लिपोग्राम। अ कंटिन्यूअस टॉकर, भाई बोलता ही रहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लोक्वेशियस, यानी कि बातूनी। लोक्वेशियस की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, मिसस्पेल्ड में काफी बार पूछी जा चुकी है। रिलेटेड टू मून, उसे हम क्या बोलते हैं, लुनार। बुक रिटन बाय हैंड, उसे हम बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। मैरिज, मैट्रिमनी। वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, भाई जो शहीद होते हैं व्यक्ति देश के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, योद्धा, यानी कि मार्टर, शहीद। अ प्लेस और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्स विद म्यूजिक डांस एंड फाइन कस्टम, इसे क्या बोला जाता है, जो कठपुतली का जो डांस होता है, मैस्क्यू। मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च, मॉर्निंग की प्रेयर को क्या बोलते हैं, मैटिन्स। एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, मैक्सिम, कहावत। समथिंग कैप टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट, भाई किसी इवेंट के याद के तौर पर जो रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिमेंटो। वन एक्ट्स ओनली फॉर मनी, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, उसे हम बोलते हैं मर्सेनरी, यानी कि किराए का टट्टू। प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, जहां पर सिक्के बनते हैं, ढाले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिंट। वन हु हेट्स मेल, जो पुरुषों से नफरत करता है, उसे हम बोलते हैं मिसेंड्रिस्ट। हेटर ऑफ मैन काइंड, मानवता से जो हेट करता है, उसे व्यक्ति को बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप। हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीजों से जो नफरत करता है, उसे हम बोलते हैं माइसोनिस्ट। पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजन, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, मिशनरी। प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, उन व्यक्तियों को, सॉरी, उस प्लेस को क्या बोला जाता है, मोनेस्ट्री, मठ। स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं हम, मॉर्फोलॉजी। Having natural simplicity of nature को क्या बोला जाता है, नेव, जो व्यक्ति सीधा साधा होता है, भोला भाला। New word coined by an author, किसी author के द्वारा जो नया शब्द बनाया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, neologism। Undue favor shown to one's own relative, जिसे हम भाई अपने ही relatives को फायदा पहुंचाना, उसे हम बोलते हैं nepotism, भाई भतीजावाद। Newly developed and unfamiliar, उसे हम बोलते हैं न्यू फेंजल्ड। पर्सन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, जिसके को इम्पोर्टेंस ही नहीं, जिस व्यक्ति की, उसे हम क्या बोलते हैं, नन एंटिटी। पर्सन और थिंग विच हैज नो इक्वल, ऐसे व्यक्ति, इस चीज को क्या बोला जाता है, नॉन पेरिल, या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, मीन्स उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय। अ मैन विद बैड रेपुटेशन को क्या बोला जाता है, नोटोरियस, बदनाम जो व्यक्ति होता है। मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब दैट वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स्ड होम, ऐसे को क्या बोला जाता है, नोमेड, बंजारा। पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है, उसे हम बोलते हैं नोवाइस, नोसिखिया। पर्सन हु इज अपोज टू एनलाइटमेंट, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, जो ज्ञान का विरोधी होता है। No longer in practice, भाई अब यूज में नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, obsolete। One who is opposed in intellectual progress, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, obscurant, अभी हमने पढ़ा था। A government by a few group of powerful person, उसे क्या बोला जाता है, oligarchy। Having every form or shape, भाई जो सभी form में ढल सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, omniform। All knowing everything, जो सब कुछ जानता है, उसे हम बोलते हैं omniscient, सर्वज्ञानी। A person who makes formal speech made on public occasion, उसे हम क्या बोलते हैं, orator, वक्ता। A child whose parents are dead, उसे बोलते हैं orphan। To turn out of society, समाज से बाहर निकाल देना, उसे बोलते हैं ostracize।
बियरिंग एग एंड नॉट यंग वंस, जो सिर्फ अंडे देता है उसे हम बोलते हैं ओविपरस। वर्ड, द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग यूज्ड टुगेदर, उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीमोरॉन। थिक स्किन एनिमल, मोटी चमड़ी वाले जानवर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं पैकिडर्म। इलेबोरेट पब्लिक स्पेक्टिकल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, पेजेंट, तमाशा। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज, रामबाण इलाज जो होता है पेनिशिया। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, उसे हम बोलते हैं पेंडेमोनियम, यानी कि शोरगुल। पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, बिल्कुल ही प्रशंसा करना किसी की, उसे हम बोलते हैं पेंजायरिक, प्रशंसा पत्र। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो, उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटोमाइम। एंड लेडीज एम्ब्रेला, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासोल। किलिंग ऑफ बोथ द पेरेंट्स, उसे हम बोलते हैं पेरिसाइड। इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, पैट्रीमोनी। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री से प्यार करता है उसे बोलते हैं पैट्रियट। वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उसको क्या बोला जाता है, पॉपर, कंगाल। यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ऑन बेनिफिट, उसे क्या बोला जाता है, भाई जो पब्लिक के पैसे को अपने कामों में उड़ाता है, यानी कि उनका गबन करता है पैसों का, उसे बोलते हैं पेक्यूलेशन। वन हु वॉक्स ऑन फुट, उसे क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, भाई ये तो किसकी डेफिनेशन है, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसे आप महसूस कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परसेप्टिबल। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्पीच, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरोरेशन। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट करना, यानी कि जो आपकी लगन होती है उसे हम बोलते हैं परसेवरेंस। क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, परस्पिकेशियस। परसेवरेंस की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, उसे हम क्या बोलते हैं, परवर्जन। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफरी। एनमोलिमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, उसे हम क्या बोलते हैं, परक्यूसाइट। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, भाई जो मैं नेगेटिव ही सोचता है बंदा, उसे तो हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट, निराशावादी। वन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, फिलेंडरर, दिलफेंक जो होता है। पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्टेड स्टाम्प, उसे हम क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट। लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का प्रेमी होता है उसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन, कला के प्रति उदासीन। अ पर्सन हु इज लवर ऑफ वुमेन, उसे हम क्या बोलते हैं, फिलोगाइनिस्ट, औरतों से जो प्रेम करता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड, उसे हम क्या बोलते हैं, फोनोग्राफ। हैविंग और रिप्रेजेंटेड इन पिक्चर, पिक्चरों में दर्शाया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल, चित्रों के जरिए किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। वन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेड प्लेस, पवित्र स्थानों पर जो जाता है वो क्या होते हैं, पिलग्रिमेज, पिलग्रिम यानी कि जो तीर्थयात्री होते हैं। वन हु लीड्स अदर्स इन एनी फील्ड, उसे हम बोलते हैं पायोनियर। प्लेजेंट और शार्प टू द टेस्ट और इंटरेस्टिंग, उसे क्या बोला जाता है, पिक्वेंट। राइटर हु स्टील्स आइडिया फ्रॉम अदर्स, उसे क्या बोला जाता है, प्लेगियरिस्ट। अ कॉमन प्लेस रिमार्क, कोई घिसी पिटी बात होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटिट्यूड। गवर्नमेंट बाय अ रिच और पावरफुल क्लास, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, काफी भाषाएं जानने वाला, उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर और अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, कोई भी कार्य है जब उसका जो मेन ऑनर होता है उसके मरने के बाद किसी को, मान लीजिए अवार्ड दिया गया, उसकी बुक पब्लिश की गई, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट्यूमियस, वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए पोस्ट्यूमियस। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन, पोस्ट्यूमियस की स्पेलिंग नोट कर लीजिए। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन, उसे हम क्या बोलते हैं, जब कोई लेटर साइन हो जाता है उसके बाद जो उसके ऊपर लिखा जाता है, एडिटिंग की जाती है, पोस्ट स्क्रिप्ट उसको बोला जाता है। डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, प्रेडिकमेंट। बी बायस्ड अगेंस्ट, उसे क्या बोला जाता है, प्रीजुडाइज्ड।
फॉर वार्निंग ऑफ एन इंपेंडिंग डेंजर, उसे क्या बोला जाता है? प्रीमोनिशन. एब्सोल्यूट राइट, उसे क्या बोला जाता है? प्रेरोगेटिव. चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडिगल, प्रोडिगी, यानी कि प्रतिभा संपन्न बालक जो होता है. एक्ट्स ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्नोस्टिकेशन. अ स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले, बिगिनिंग में जो स्पीच दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोलॉग. हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोमिस्क्यूअस. पर्सन हु प्रपोजेस समथिंग, कुछ जो प्रपोज करता है व्यक्ति, उसे बोलते हैं प्रोपोनेंट. स्टेट ऑफ बींग करेक्ट इन बिहेवियर और मॉरल, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्रियटी, मर्यादा. कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ मोर पावरफुल कंट्री, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टोरेट. अ पॉपुलर शॉर्ट सेइंग विद वर्ड्स ऑफ एडवाइस और वार्निंग, उसे क्या कहा जाता है? प्रोवर्ब, यानी कि कहावत. एन इमेजिनरी नेम एज्यूम, कोई भी नेम एज्यूम कर लिया जाता है इमेजिनरी, उसे हम क्या बोलते हैं? सिडोनिम. इसको स्पेलिंग याद रख लीजिए, ये तो बहुत ज्यादा बार पूछी जा चुकी है सिडोनिम की स्पेलिंग एसएससी में. अ पर्सन हु इज स्ट्रिक्ट इन मॉरल्स एंड रिलीजन, उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूरिटन. द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवॉल, पटाखे बनाने की जो कला होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पायरोटेक्निक्स. फोर फुटेड एनिमल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रप्ट. Doubtful as regards truth of quality of something, उसे हम क्या बोलते हैं? Questionable, जिस पे हमें कोई संदिग्ध होता है, संदेह होता है. Sum of money to be paid for freeing a person from captivity, छुड़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? Ransom, फिरौती. That can be tested by reasoning, उसे हम बोलते हैं rational, तर्क संगत. One who takes up arms against the government, government के against जो खड़ा हो जाता है उसे हम बोलते हैं rebel. द्रोही. वन हु लीव्स अलोन एंड अवॉइड्स कंपनी, अकेला रहना जो पसंद करता है उसे बोलते हैं रेक्ल्यूज. ब्रिंग अबाउट हार्मोनी और एग्रीमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? रिकनसाइल. टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसे हम बोलते हैं रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही. मर्डर ऑफ अ किंग, राजा की हत्या होती है रेजिसाइड. द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू अ पॉपुलर वोट, उसे हम क्या बोलते हैं? रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह जिसे बोला जाता है. रेड्यूस टू अ लोअर पोजिशन, उसे हम क्या बोलते हैं? रेलिगेट, दर्जा घटा देना. अनविलिंग जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंट. द सम पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर, आपके काम के लिए जो तनख्वाह दी जाती है उसे हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन. प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबलिंग, उस प्लेस को क्या बोला जाता है? रेडेंजुअस. पर्सन हु चेंजेस हिज रिलीजियस बिलीफ टू समवन एल्स और सम अदर नेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? रेनेगेड. विटी एंड क्लेवर आंसर्स, बहुत ही ज्यादा अतपाक से जवाब देने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपार्टी. इफेक्ट ऑफ सम इवेंट एक्शन और डिसीजन, उसे हम क्या बोलते हैं? रेपरक्यूशन, प्रभाव. कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? रेप्लिका. भाई नेक्स्ट है आपका प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए जहां पर स्टोर किया जाता है, गोदाम, उसे हम क्या बोलते हैं? रेपोस्टरी. प्रेयर फॉर द डेड, उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्वाइम. रिक्वाइम की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. A place where water is stored, उसे क्या बोला जाता है? Reservoir. Return the same sort of ill treatment, उसे हम क्या बोलते हैं? Retaliate. Person who does not speak too much, कुछ ज्यादा नहीं बोलता, उसे बोलते हैं reticent. The process by which a person or an organization reduces the amount of money it spent, उसे हम बोलते हैं retrenchment. An effect which has a reference to the past, उसे हम क्या बोलते हैं? Retrospective. Specialize in nose disease, उस डॉक्टर को क्या बोला जाता है? Rhinologist. Unverified information, भाई किसी information का ना सिर है ना पैर, उसे बोलते हैं rumors. Treating something holy without respect, उसे हम क्या बोलते हैं? Sacrilege, किसी की चीज की पवित्रता भंग कर देना. A person who pities and gives practical help to persons in trouble, जो व्यक्ति problem में होते हैं उनकी जो मदद करता है उसे हम बोलते हैं Samaritan.
बिटर एंड आयरोनिकल रिमार्क, सरकैसम, ताना जिसे हम बोलते हैं, अ हॉस्पिटल फॉर रिक्यूपरेशन और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिसीज, उस हॉस्पिटल को क्या बोला जाता है, सेनेटोरियम। वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैपगॉट। वन हु इज डाउटफुल, जो डाउटफुल होता है उसे हम बोलते हैं स्केप्टिक, यानी कि जो संदेही व्यक्ति होता है। क्राई आउट इन श्रिल वॉयस, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रीच। कंफ्यूज्ड, स्ट्रगल और फाइट, उसे हम बोलते हैं स्क्रीमेज, यानी कि खींचातानी जो होती है। एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पब्लिक को भड़काना गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्पीच देकर, उसे क्या बोला जाता है, सेडिशन। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सेनिलिटी। पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच, दोपहर का आराम यानी कि सिएस्टा। किल बाय सफोकेशन, स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग, भाई मुंह पे कुछ रख देना और सफोकेशन से किसी को मार देना, उसे बोलते हैं स्मोदर, दम घोटना। शॉर्ट स्लीप इन डे टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, स्नूज। फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ अदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सोशियबल, मिलनसार जो व्यक्ति होता है। स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रुकना कहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, सोजर। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वे। वन हु वॉक्स इन वन्स स्लीप, जो नींद में चलता है व्यक्ति, उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, और जो नींद में बातें करता है उसे बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। हैविंग अ डीप एंड प्लेजेंट साउंड, उसे हम क्या बोलते हैं, सोनोरस, यानी कि सुरीली जो साउंड होती है। समथिंग कैप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के रिमाइंडर के तौर पर जो चीज रखी जाती है उसे हम बोलते हैं सोवेनियर, यादगार। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, उसे हम बोलते हैं स्पेसिमन। वन हु स्पेंड्स वन्स मनी रेकलेसली, अपना पैसा जो बिल्कुल फिजूल खर्ची करता है उसे हम बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। एन अल्डरली अनमैरिड वुमेन, कुंवारी महिला, यानी कि स्पिंस्टर। अक्रिंग इरेगुलरली, जो चीज अक्रिंग इरेगुलरली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक। किल बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट और टू अप्लाई प्रेशर, गला घोट कर मार देना, यानी कि स्ट्रेंजुलेट। टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, वश में करना, उसे हम बोलते हैं सबड्यू, और एक होता है सब्जुगेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबड्यू एंड सब्जुगेट? एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, सबपॉइना। थिंकिंग वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है सुपरसीलियस्ट, घमंडी जो होता है। पर्सन हु ट्राइज टू विन अ फेवर बाय फ्लैटरिंग अदर, उसे हम क्या बोलते हैं, साइकोफेंट। प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप, उसे हम क्या बोलते हैं, साइनेगोग। वायलेंट स्टॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट। फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंट्रम। टेंट्रम की स्पेलिंग चेक कीजिएगा भाई। वन हु डज नॉट टेक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, उसे क्या बोला जाता है, शराब शरूब जो नहीं पीता, उसे हम बोलते हैं टिटरटेलर। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मी। भाई ये जो टीटो टेलर की स्पेलिंग है, इसे आप टीटो टेलर, इसकी स्पेलिंग है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी काफी बार पूछी गई है। अ गवर्नमेंट बाय द चर्च मैन, उसे हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी, पादरी तंत्र। फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉपोग्राफी। डिसलॉयल पर्सन हु बिट्रेज, धोखा देता है जो व्यक्ति, उसे बोलते हैं टर्नकॉट। पर्सन हु डिसीव्स हिज कंट्री, उसकी कंट्री को जो धोखा देता है व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं ट्रेटर, देशद्रोही, गद्दार। द पैसेज ऑफ सोल आफ्टर डेथ फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, उसे बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसे आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। अ ट्रूथ विच इज ऑफन रिपीटेड, बार बार जो रिपीट किया जाता है ट्रूथ, उसे हम बोलते हैं ट्रूइज्म। पर्सन हु डिजर्ट वन पार्टी और कोज इन ऑर्डर टू ज्वाइन एन अपोजिंग वन, दल बदल लेता है जो नेता, उसे बोलते हैं टर्नकोट। पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, टाइकून। क्रूल और अनजस्ट यूज ऑफ फोर्स, उसे बोला जाता है टायरनी। एनीथिंग डिसाइड विद वन वॉयस, उसे हम बोलते हैं अनअनिमस। प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे बोलते हैं यूबिक्विशस। यूबिक्विशस की स्पेलिंग नोट कर लीजिए। That which cannot be avoided, जिसे avoid नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलते हैं unavoidable। To discover and bring to light, किसी चीज को खोजना, प्रकाश में लाना,
ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनअर्थ, पता लगाना। डिसीजन टेकन बाय वन साइड ओनली, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल। नेक्स्ट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, उसे बोलते हैं अनइंटेलिजिबल। ट्रेनिंग एडुकेटिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, उसे हम क्या बोलते हैं, अपब्रिंगिंग। पर्सन हु सीज समथिंग विदाउट द राइट टू डू सो, उसे क्या बोला जाता है, उसर्पर। कोई चीज हड़प जो व्यक्ति लेता है उसे बोलते हैं उसर्पर। प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, उसे हम बोलते हैं क्या, उटोपिया। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, खुद की वाइफ को मार डालना, उसे हम बोलते हैं जोरिसाइड। फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, भाई जोरो का जो गुलाम होता है उसे हम बोलते हैं जोरियस। सजेस्टिंग अब्सेंस ऑफ थॉट और इंटेलेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूस। अ स्टाइल फुल ऑफ सुपरफ्लॉज वर्ड्स कंटेनिंग अ स्मॉल थॉट, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्बोस। एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्सो। इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, इवनिंग प्रेयर इन द चर्च को क्या बोला जाता है, वेस्पर। पर्सन हु हैज मच एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसे बोलते हैं वेटरन। दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड, जिसे कॉन्कर जीता जा सकता है उसे बोलते हैं विंसिबल। हैविंग और शोविंग अ डिजायर टू रिवेंज, इसको क्या बोला जाता है, विंडिक्टिव। प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट अलाइव एंड नियरली एज पॉसिबल इन देयर नेचुरल स्टेट, उसे बोलते हैं विवेरियम। अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, उसे क्या बोलते हैं, वोयाज। स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, उसे हम क्या बोलते हैं, वार्डरोब। भाई जो कपड़े रखते हैं जिस अलमारी में, वार्डरोब बोलते हैं उसे। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, उसे क्या बोलते हैं, विडोवर। एंड अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उसे हम बोलते हैं विडो। फ्लावर्स फास्टन इन अ सर्कल, जो श्रद्धांजलि दी जाती है सर्कल में जो फ्लावर बंधे होते हैं उसे हम बोलते हैं रेथ। पुष्पहार पुल्ड और ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप, उसे बोलते हैं रई, डब्ल्यू आर वाई, रई। एक्सट्रीम फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर, उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ेनोफोबिया। पर्सन हु शोज ग्रेट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंथुसियाज्म फॉर अ रिलीजन पार्टी कॉज, उसे क्या बोला जाता है, ज़ियलोट, मतग्रही। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ वंस फ्रेम फॉर्चून्स और हैप्पीनेस, उसे क्या बोला जाता है, ज़ेनिथ। फियर फ्रॉम एनिमल, उसे क्या बोला जाता है, ज़ूफोबिया। तो ये थे आपके 400 से ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छी रिवीजन मैं मानता हूं कि आपकी हो चुकी है। तो और भी ज्यादा यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि इसमें कोई भी करेक्शन है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।